सीबीएसई द्वारा आज कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के दोनों के परिणाम जारी किया गया और उसको लेकर जालौर के सांचौर से भी चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में दोनों एक ही परिवार के एक बेटा और एक बेटी दोनों प्रथम रहे। इतना ही नहीं, बेटी डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप रही है, जिले में भी प्रथम आई है। अब इनके परिवार में मैं मौजूद हूँ, इनके परिवार के सदस्य से भी जानेंगे, इन बच्चों से भी जानेंगे इन्होंने कितना अध्ययन किया है, कितने घंटे पढ़े और विद्यालय का क्या सहयोग रहा, और सहयोगी टीचरों से भी जानेंगे। बेटा आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, आप कहाँ पढ़ रहे थे और आपके कितने प्रतिशत बने, आपको कैसा फील हो रहा है, आप घर परिवार में खुशी का माहौल है, इधर उधर से दोस्तों का भी बधाई का संदेश आ रहा होगा, घर परिवार रिश्तेदारों का भी संदेश आ रहा होगा। मैं डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल सांचौर से अध्ययन कर चुका हूँ। कितने समय से आप डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे थे? सात साल से, लगातार 7 साल से वहीं पढ़ रहे थे। हाँ, लगातार 7 साल से वहीं पढ़ रहा था और इस बार मैं 12वीं के अंदर मेरे 95.8% बने हैं और पढ़ाई पूरा योगदान विद्यालय का और उनके अध्यापकों का रहा, एवं परिवार का भी बहुत सहयोग रहा। हमारे घर पे जो पढ़ाई का माहौल था उसका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। मेरी छोटी बहन का भी सहयोग रहा, वह बीच बीच में मुझसे पूछ लिया करती थी सवाल वगैरह। तो कितने प्रतिशत बने आपके? मेरे 95.8। अब आप आगे की पढ़ाई के लिए क्या करना चाह रहे हैं? मैं अभी CUET का एग्जाम दूंगा और कोशिश रहेगी कि DU के अंदर कोई कॉलेज मिल जाए, जिसके बाद मैं वहाँ पर अध्ययन करके UPSC क्रैक कर पाऊँ। आपने अच्छे प्रदर्शन किया, अच्छे प्रतिशत हासिल किया, तो आपके छोटे भाइयों से भी आप पढ़ाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लगातार पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप एक दिन ज़्यादा पढ़ लोगे या एक दिन कम पढ़ लोगे उससे फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे तो उससे ये होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर रहेंगे। आप अगर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। भले आप कम पढ़ो लेकिन निरंतर पढ़ो, इसका मतलब आपका कहना यही है। यस बेटी, आप कक्षा 10वीं में अव्वल आए और आपको बधाई हो, आप जिले में भी प्रथम आए हो। आपने कितने घंटे पढ़ाई की और घर परिवार का स्कूल का कैसा सहयोग रहा आपको? मैंने तो 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई की है, मतलब जिस दिन से 10वीं कक्षा शुरू हुई थी उसी दिन से आपको, और जब तक आपको आपकी 10वीं कक्षा खत्म होगी तब तक आपको लगातार पढ़ना पड़ता है। और स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, स्कूल के सभी टीचरों ने बहुत ज्यादा सहयोग किया है। आपके कितने प्रतिशत बने? मेरी 96। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा मार्क्स आए हैं मेरे, और जब भैया के और मेरे दोनों के ही आए हैं तो खुशी और भी ज्यादा होगी। पापा और परिवार में आपके क्या करते हैं? कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई पापा किसी पोस्ट पे है? पापा मेरे डॉक्टर हैं। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं तो सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूं। पापा डॉक्टर है और आप सिविल में जाना चाह रहे हैं, क्यों? मैं इसलिए सिविल में जाना चाह रही हूं क्योंकि देखो, डॉक्टर रह के आप सिर्फ एक लिमिटेड लोगों की मदद कर सकते हो, बट सिविल सर्वेंट बनने के बाद आप लोगों को ऊपर उठा सकते हो, उनकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हो। बेटा और बेटी, बेटी कक्षा 10वीं में अव्वल जिले में प्रथम आई और बेटा स्कूल में अव्वल रहा है, क्या कहना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर? देखो, इन्होंने अच्छी पढ़ाई की है और टीचर्स ने अच्छी पढ़ाई करवाई है, और बाकी जिनके कम परसेंटेज बने हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज बनने मात्र से ही कुछ नहीं होता, सक्सेस करने के लिए कोई कंडीशन होती है, किसी के कम बन जाते हैं, कोई एक आध क्वेश्चन गलत होने से थोड़े से मार्क्स कम भी आ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे CBSE के बुक के आगे आपको लिखा हुआ होता है कि आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, ठीक है, तो क्यों पढ़ना है ये आपके दिमाग में क्लिक करता है कि क्यों पढ़ना है। उसके बाद आप उसको शुरू करते हो और उसको टाइम लिए, जैसे आज पढ़ा है तो 15 दिन से आप रिवाइज करो, फिर 3 महीने से और रिवाइज करो, और जब आप पढ़ते हो किसी चीज़ से रिलेट करके उसको रिमेम्बर करने की कोशिश करो, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे एग्जाम नज़दीक होते हैं, क्योंकि एग्जाम है और जो क्लास के एग्जाम होते हैं 10th और 12th के, उसमें आपको कुछ पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए लास्ट के कुछ 2-3 महीने। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि परसेंटेज कोई मायना नहीं रखता, तो जब बच्चों के परसेंटेज ज्यादा बनाते हैं तो उनके घर परिवार में खुशी का माहौल होता है और बधाई के संदेश से लेते हैं, और जब किसी के कम प्रतिशत बनते हैं तो उनके परिवार के सदस्य कहते हैं आप पढ़ते नहीं हो, उनके ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नहीं पढ़ते हैं वो बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छे बने हैं और जितनी मेहनत की है उसके अनुरूप जब उसको रिजल्ट मिलता है तो खुशी स्वाभाविक है और होती ही है। आपके बच्चे सर एक विद्यालय में लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं, तो स्कूल का आपके परिवार में अच्छा सहयोग रहा होगा बच्चों? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि टीचर्स का सहयोग रहता ही है, आप स्कूल में जाते हैं तो, और जो भी टीचर्स जाते हैं तो ये नया लाते हैं, टाइम टू टाइम अपनी मेहनत करते हैं और अच्छा टीचर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं,
और कुछ टीचर बहुत अच्छे हैं जिनमें इनको कोई परेशानी नहीं हुई, और कुछ में यदि मान लो दिक्कत होती है तो थोड़ा गूगल का, थोड़ा आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हो। सोशल मीडिया मीन सेंस कि यूट्यूब पे कुछ अच्छे चैनल्स हैं, तो कहीं पे भी टीचर्स के गाइडेंस में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सर एक बात ऐसी है कि आप खुद डॉक्टर हैं और आपके बच्चे दोनों डॉक्टर लाइन में जाना पसंद नहीं करते। वो उसकी वजह ये रहती है कि मेनली जब एक आप लिमिटेड काम करते हैं कि हम पूरा दिन यहाँ पे मरीजों के बीच में खड़े रहते हैं, 24 घंटे यहीं काम करते हैं, यहाँ से निकल भी नहीं पाते, और ठीक है गरीब है उसका आप कम ले लिया, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाते। इसका मतलब आपके बच्चे डॉक्टर की लाइन को पसंद नहीं करते क्योंकि पापा पूरे दिन बिजी रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, पसंद उस हिसाब से तो चलो क्या पता इनके क्या मन में है, लेकिन एटलीस्ट इनको कभी कभी ये भी लगता है कि जैसे हम कई बार कोई काम करवाने के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे करप्शन होता है, कोई रिश्वत मांगता है, तो ये सुनते हैं, तब इनको लगता है कि भाई क्या इसको रोका नहीं जा सकता, भाई हम लोगों को भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम और अच्छा इस सिस्टम को बदलाव कर सके, तब जी इन्होंने ये किया है। सर आपके स्कूल के रिजल्ट हर साल अव्वल रहता है और बच्चे हर बार जिले में भी अव्वल रहते हैं, स्कूल में भी रहते हैं, और जिले में सीबीएसई स्कूल है काफी, लेकिन आपका स्कूल हर बार क्यों अव्वल रहता है? इसका रीजन है कि जो बच्चे हैं, हमने विद्यालय का वातावरण इस तरह का है कि बच्चे सब सिंसियरली पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, और इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे विद्यार्थियों का और अभिभावकों का, जो कि निरंतर रूप से हमारे को इतना सहयोग करते हैं। हम जब भी बोलते हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए हों, या जब भी बोलते हैं उनको जितनी देर तक स्टडी के लिए रोकना है तैयार रहते हैं, और जिस तरह का हम स्टडी मटेरियल देते हैं, टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, टाइम टू टाइम उनकी अपडेट्स लेते हैं, पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करते हैं, जिससे हमेशा उन बच्चों में जो जिस तरह की इम्प्रूवमेंट चाहिए वो मिलता है, और उसका आज नतीजा है कि ये बच्चे हर बार जिले में और कक्षाओं में माने या स्कूल में माने या सांचौर में माने आपके बच्चे जब अव्वल रहते तो आपको भी खुशी होती है कि मेरे स्कूल के बच्चे अव्वल रहे, और बाकी स्कूल से भी आपको बधाइयां मिलती है? निश्चित रूप से, क्योंकि ये तो एक टीम वर्क है, और हमारी टीम जो इस तरह से काम करती है, मेरे सारे स्टाफ मेंबर्स जो रात दिन तक हम मेहनत करते हैं, और मेहनत का नतीजा जब अच्छा हमें हमारे को मिलता है तो खुशी होना। ये बच्चे अगर लंबे समय से उसी स्कूल में पढ़े, अर्थात इस लंबे समय तक बच्चों का आपके साथ जुड़ा रहना, इसका मतलब कहीं ना कहीं विद्यालय में भी अच्छा ही होगी, पढ़ाई अच्छी हो रही होगी। निश्चित रूप से ये विद्यार्थी 6-7 साल से हमारे वहाँ पे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और शुरू से सिंसियर हैं, पढ़ाई में भी हमेशा इनकी तरफ से हर क्लास में अव्वल रहने की प्रयास रहता है, और इसलिए ये स्थान पाते हैं। हिमांशु ने 10वीं में भी अच्छी रैंक हासिल की थी, वो टॉपर था क्लास में, और सावित्री भी अभी टॉप कर गई है, तो दोनों भाई बहन शुरू से इस नेचर के हैं कि स्टडी अच्छा ही कर रहे हैं, और पेरेंट्स जो डॉक्टर साहब हैं, इनकी माता जी हैं, इनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है, इसलिए ये थे दोनों भाई और बहन सुमित, सावित्री और हिमांशु, इनसे भी जाना और इनके परिवारजन और शिक्षकों से जाना विद्यालय में अध्ययन और घर परिवार में पढ़ाई का लेकर माहौल और कितना जरूरी होता है, ये खुद आप जान सकते हैं इनकी जबान से इन्होंने क्या कहा है। ओम प्रकाश चौधरी, सांचौर।